एक आम बंदा कोई नशा पीवे तो आप कहने नशेड़ी आ एक वेख्या बाबे की वीडियो जी वायरल हो रही है को बोतल पूरी मूँह ला के पूरी पी के ही खाली करता अच्छा पी के फिर मूँह नालों परां करता ठीक है जी तुसीं वेखो बंदा पूरी बोतल ही पी गया सुकी तो वह किड्डा हिर मेदा तैयार होगा वेहो कि अंदरों वो पक्का होगा कि उन्होंने बोतलों में कोई फर्क नहीं पिया अच्छा इदा कोई बोतल सामने पी जे मीडिया के सामने लोगों ने अमली किड्डा तगड़ा वे किड्डा नशेड़ी आ वह पी गया धर्म दिना तो लोग वीडियो बना रहे थे उसकी मतलब उत्थे जाने वाला की वेख रहा भी जे इतने गद्दी से बहन वाला नशा कर सकता क्यों नहीं कर सकते लगता नहीं तुम कभी विपर भी इंज करता नशा अपना पीने जी करता है पर मैं ऐ लगता भी यार वो एक चलो जिम्मे आस्था है किसी की है ना हूँ जे क्योंकि हर धर्म हम जे अगले नशे तो अगलिया ने सवाल चकने शुरू करते कल हूँ साढ़े चो भी तो एक धड़ा है ना जिहड़ा एक नशे को खास तौर के उत्ते उन्होंने चाहे जो मर्जी नाम दे गए असी पर नशा तो नशा है तो फिर जो साढ़े धर्म च वो बारे तो पहले कहें आए नशा तो कोई मैं असं मतलब भंग न कल फिर जस्टिफाई कि बिल्कुल जी भंग नशा वा नहीं हो नहीं सिखी च मना अस्तलंग महला पहला भौतरा भांग खलड़ी मेरा चीज गुरु ग्रंथ साहब साढ़ा गुरु है ना हाँ जी गुरु ग्रंथ साहब असं बेस मनना जी सब सुधी गल पंजाबी आप कहते हैं ठीक है जी हर एक गल इतों होनी गुरु साहब ने उत्थे गल की भी रब का डर ही निर्मल भौई मेरे वास्ते भंग वा भौतरा भांग तलंग महला पहला खलड़ी मेरा चीत जिमें भंग गुथली च पा के रखते ना गुरु साहब कहता मैं अपनी खलड़ी अपने चित को गुथली बना लिया तो परमात्मा के निर्मल भाव में भंग बना लिया भी गलत आ जी भावें साढ़े अपने जोड़े बंदे ये तो आप पहले ही कहते आए हाँ ये आप पहला कहते नशा तो मना अमल प्रशादे का करना सीखने कोई नशा थोड़े कहना भी असी बेस साडा दा बाकी जी शरदा कि शरदा नहीं हैगी अंधविश्वास आ अग्ञानता वा ठीक है वह इदा हों भी अगलिया पता भी जे सीधा पीता तो ये ना आना वा भी वेखो जी बंदा नशेड़ी आ पर धर्म के ना ना जोड़ दो चीज़ जिमें मान लो हम माझा मालवा दुआबा तीन तीन वा ना अपने इलाके तिना इलाक्य इदा दजारा मौजूद जिसे नशे चढ़ते हैं आ रोडे शाह इतों निशान साहब असं मैं लगता वा भी उसे ला के लिया जथेबंदियां सारिया कट्ठिया होकर अज तो 15 साल पहला पुरानी गल आ तो उसे निशान साहब है सी निशान साहब भी लगा तो रोडे शाह शराब भी चढ़ती सी इतने आप मजिठिए लगे थोड़े कहना भी ये है कि आप श्री गुरु ग्रंथ साहब न बस आधार मनीए गुरु ग्रंथ होर चीज जिहड़ी जिद्दन सिख वेखो जिद मैं कहना कला सिख नहीं जिद्दन असी गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ लिया समझ लिया इन गलों की लोड़ पैनी नहीं है अज ता ही लोग तुसी वेखो अज ग्रंथ भी वह प्रमोट किए जा रहे जिन्हें नशे की कितना कितने खोल दी जा रही है अज समस्या है ना साड़ी कौम की असं पासे जाने तुसी ग्रंथ पढ़ो सारे ग्रंथ पढ़ तुसी बाइबल पढ़ो तुसी गीता पढ़ो तुसी जिहड़े मर्जी धार्मिक ग्रंथ पढ़ो तुसी कुरान पढ़ो तुसी तुसी गुरु पुराण ग्रंथ पढ़ो तुम मैं सूरप जो मर्जी पढ़ो हाँ पढ़न ची देख पढ़न तो पढ़िया पता लगना पर हाँ। साड़ा बेस जड़ा वा ना साड़ा साड़ा एक गुरु एक पंथ साड़ा ये समझना बहुत सीख ली जरूरी है कि सानू गुरु साहब ने बाणी दी विचार दी एडा वड्डा साढ़े को मान खजाना वा इनू सानू पढ़ना तो विचारना चाहिए पासे ना भटकी असी मैं कहना जसी का एक बहाना बन गया क्योंकि परसों फोन से भी मेरे ना गल हुई है फोन नहीं आया हाँ जी क्योंकि उन्होंने उन्हें अपना नंबर पाया साडे पेज के थले तो बाद फोन से गलबात हुई चंगी चलो डिस्कस के हुई कहते भी अं मैं चाहना वा फिर उन्होंने मैं कई बुलारे पूछा भी मैं कहते गलत तो नहीं है तो कई बार मैं बयान देता कि मैं गलत ही गल देते अड़ी जावा मैं कहा नहीं तुम्हारी गल गलत नहीं हैगी मतलब जी बाणी कबर पर जाने तो सूँ मना कर दी मजारा से फिर उतने जाने वाले वेखो पीर बुद्धू शाह भाई गनी खां नबी खां इन्हां दियां एग्जाम्पलां दे भी वह भी तो है भी वह कित्थे यार वो किड्डियां महान शख्सियत तो कित्थे आज तुसीं चिलमा पीण वालियां दे नाल उन्हां दे नाल ना कंपैरिजन करो ये गलत गल है मैनूं लगदा वा भी लिखण वाले नूं भी चाहीदा तो गाउण वाले नूं भी चाहीदा क्योंकि यह भी एक समाज का यह भी एक समाज की मैं समझा भी सेवा कर सकते हैं जिम्मेवार वध हुंदी है तुसीं दे विच विच रहे किसानी अंदोलन च हाँ जी जिहड़ी ऑडियंस हुंदी है ना जिहड़ी पब्लिक हुंदी आ जिहड़ी मेरा मनना है भी जिहड़ी जिहड़ा कस्टमर है ना वह दुकानदार नूं सौदा बदलने लई मजबूर कर दिंदा हाँ किदां भला मान लो एक दुकान ते एक कपड़े का शोरूम आ कपड़े की दुकान आ ते एक गाहक आया उन्हें कपड़ा मंगया तो दुकानदार ने कहा जी साडे कोल कपड़ा है नहीं फिर दूजा गाहक आया उन्हें वो भी वो जहा कपड़ा मंगने का है नहीं जो 5-7 गाहक इको कपड़ा मंगने वाले मुड़े तो दुकानदार का मत्था ठणकया भी मतलब ये गाहक है इस कपड़े के उन्हें अपने नाल ही अगले जो आर्डर बुक करवाना कहते जी ये कपड़ा नोट करो भी ये भी मंगाओ ये गाहक है वा करियाने वाला वा मान लो कोई यहोजा सौदा जो कभी नहीं विकया होते 5-7 गाहक मुड़ जा मत्था ठणकूगा ना बिल्कुल अच्छा एक सौदा कोई यहोजा लैंने जो विके ही ना
ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਵਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਸਟਮਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਸੁਣਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਬਦਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਗਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਇਹਦਾ 28 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦੇ ਗਾਓਗੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਓ ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਗ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਗਏ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ 'ਚ ਗਾਉਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਆ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰਲਾ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੱਢਣਾ ਵਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪਰਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ